गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, पहले हम बात कर लें कि पीएच होता क्या है। बेटा पीएच मतलब होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे आपको मैंने कोई सॉल्यूशन दे दिया एसिड का और हमने आपसे पूछ लिया इसका पीएच कैसे निकालोगे, पीएच होता क्या है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ पीएच। पीएच मतलब होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। और जो पीएच की डिफिनेशन होती है, पीएच इज इक्वल टू होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच निकालना होगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच इज कैलकुलेटेड एज द निगेटिव लॉग ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 एच आयन कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स, सपोज करिए किसी भी सोल्यूशन में HCl का जो कंसंट्रेशन दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ HCl, इसका मतलब हो जाता है आपको ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को गिवन दिया है। तो एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, सपोज करिए आपको मिला 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। अब इसका हमको पीएच फॉर्म करना है, पीएच कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला पूरा करिए बेटा। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 एच आयन कंसंट्रेशन, देन पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 एच आयन कंसंट्रेशन के प्लेस पर 10⁻⁴। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस माइनस 4 लॉग बेस 10 और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, देन pH इज इक्वल टू +4। ओके, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का pH को फॉर्म कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात किया जाता है तो pH शिफ्ट होता है, pH शिफ्टिंग होती है, और pH शिफ्टिंग को देखा जाता है pH पेपर से। तो यहाँ पर लोग बात कर लें, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन शिफ्ट अवे फ्रॉम द न्यूट्रल व्हेन एन एसिडिक और बेस इज एड इन द एक्वस सॉल्यूशन। यदि हम एसिड को या बेस को एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में, वाटर बेस्ड होना चाहिए। सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, वाटर बेस्ड। अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन विच फॉर्म इन वाटर नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन में बात करें, एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो अगर हम किसी भी एसिड को या बेस को अगर हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो उसका पीएच में शिफ्टिंग होती है, पीएच शिफ्ट होता है। बेस इन कॉन्ट्रास्ट द राइज ऑफ पीएच, बेस क्या करता है पीएच को इंक्रीज करता है, पीएच को बढ़ाता है, एंड एसिड जो आपका एच आयन कंसंट्रेशन होगा वो पीएच वैल्यू को डिक्रीज करता है। अब हम बात कर लें पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, द पीएच स्केल इज यूज टू रैंक ऑफ सोल्यूशन इन द टर्म ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। किसी भी सोल्यूशन में जो पीएच स्केल होगा वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से डिनोट करेंगे। अगर इसमें हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, हाइड्रोक्सिल ज्यादा होगा तो पीएच बेटा आपका 8 to 14 तक, और अगर आपका एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो 0 to 6। जितना ज्यादा OH आयन कंसंट्रेशन होगा, जिसका बेसिक मीडियम जितना ज्यादा होगा, ये आपका पीएच टूवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा, और अगर एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है देन पीएच आपका शिफ्ट होता है बेटा टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। क्लियर। और ये आपका जो 7 है, 7 डिनोट करता है H2O के पीएच को। तो अगर हम H2O में किसी भी एसिड को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो पीएच शिफ्ट होता है एसिडिक को, मतलब आपका लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट होगा, और अगर हम लोग किसी बेस को इसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं तो पीएच आपका शिफ्ट होगा टूवर्ड्स राइट साइड। ओके बेटा, अगर यहीं पर एक बात और देख लेते हैं हम लोग कि अगर बेस दिया जाए, बेसिक कंसंट्रेशन दिया जाए, सपोज करिए आपको OH आयन कंसंट्रेशन दे दिया गया 1 × 10⁻¹⁰ कर लें, -10 मोल पर लीटर। अब आपसे कहा जाए पीएच निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा जब
OH आयन कंसंट्रेशन देगा तो यहाँ बेटा POH निकलता है। जैसे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन देगा, एसिड के लिए बात करेंगे तो H आयन कंसंट्रेशन होता है। अगर यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन होगा तो यहाँ पर लोग बात करेंगे बेटा POH की। POH इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला माइनस लॉग बेस 10, वहां पर H आयन कंसंट्रेशन था, यहाँ पर क्या करेंगे बेटा OH आयन कंसंट्रेशन। देन POH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, तो माइनस माइनस 10 लॉग बेस 10 बचेगा। यहाँ पर लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 होगी, तो आपका माइनस माइनस प्लस 10। POH की वैल्यू कितना आएगी बेटा, POH इज इक्वल टू आ गया आपका 10। क्लियर? क्वेश्चन में पूछा जाता है पीएच, अभी हम लोगों का निकला है बेटा पीओएच। तो पीएच कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं बेटा। फॉर्मूला होता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। पीएच आपको पॉइंट फाइंड करना है, पीओएच की वैल्यू कितनी रिटेन है, तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, दैट इज 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। तो सोल्यूशन पीएच बेटा कितना निकलेगा 4। तो अगर आप लोगों को हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दिया जाए या फिर बेसिक कंसंट्रेशन दिया जाए तो वहां पर पीओएच फॉर्म होगा, अगर आपको एसिडिक सोल्यूशन मिले तो वहां पर एसिड का मतलब पीएच का पीएच फॉर्म होता है। ठीक है, इट इज द होमवर्क फॉर यू एंड थैंक यू।